नमस्ते ग्वालियर, मैं साक्षी चौहान। जीकेडी इवेंट द्वारा ग्वालियर शहर में करियर फेयर एंड स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम दिनांक 5 अक्टूबर को कंपू क्षेत्र स्थित होटल सिद्धि विनायक में किया गया, जिसमें 12वीं में पढ़ रहे बच्चों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए मार्गदर्शन दिया गया। इस अवसर पर ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर, प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ ग्वालियर, स्टार एक्स यूनिवर्सिटी, मोदी यूनिवर्सिटी, अवंतिका यूनिवर्सिटी, लक्ष्मणगढ़ सिकर राजस्थान, मॉडर्न ग्रुप ऑफ कॉलेज झांसी, VLCC आदि के एक्सपर्ट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर का लाभ करीब 300 से अधिक विद्यार्थियों ने उठाया। वहां पर उपस्थित सभी एक्सपर्ट ने विद्यार्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए मार्गदर्शन दिया। एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है JKD इवेंट के द्वारा, करियर फेयर एंड स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर आए हुए हैं, एक्सपर्ट्स भी यहां पर मौजूद हैं। हम एक्सपर्ट्स से भी यहां पर बात करेंगे कि आखिरकार वह यहां पर आए हुए स्टूडेंटों को करियर फेयर जो लगाया हुआ है इसके रिगार्डिंग क्या जानकारी दे रहे हैं। लेकिन दूर दूर से विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट विद्यार्थी आए हैं जो 12th पास हैं। अब वो आगे किस प्रकार से अपने करियर को बुलंद करना वाले हैं, चलिएगा कुछ विद्यार्थी हमारे साथ हैं। आपका मैं नाम जानना चाहूँगा और कहाँ से आप आए हैं और यहाँ पर आकर आपको क्या जानकारी मिली, नाम बताइए। सर, मेरा नाम नितेश वरैया है, मैं मुरार से आया हूँ जी। मेरे को यहाँ की जानकारी मिली कि मैं 12th के बाद क्या क्या कोर्स कर सकता हूँ, जो जैसे मैंने मैथ स्ट्रीम से लिया है उसके वो तो ऐसे मेरा BTech तो है, जैसे GW करूँगा और उसके अगर सेकेंड स्कोप में वैसे मैं क्या कर सकता हूँ, उससे मुझे जानकारी मिली कि कौन कौन सी फील्ड में अपनी इंटरेस्टिंग और उन्होंने तो अच्छा बताया इसके बारे में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो से हमारी बात हुई है, इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर आकर बहुत सारी इनको जानकारी मिली, साथ ही साथ और भी कुछ स्टूडेंट हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। सर, पीयूष मौर्य। पीयूष जी, क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर इतना आप समय निकाल के आए हो, क्या यहाँ से लेके जा रहे हैं अपने साथ? सर, यहाँ पर आके हमको नॉलेज मिली कि हमारे अगर हमारा 12th के बाद नीट एक अकेला ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर अदर भी ऑप्शन अवेलेबल है कि हमको क्या कर सकते हैं फ्यूचर में, और जो हमको करना है उसके मुताबिक गाइडेंस दी गई थी हमें और बाकी सब भी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई गई थी, इसलिए हमको यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा सीखने को मिला और बहुत ही हमें पता चला कि हमको फ्यूचर में क्या 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 स्कोप है हमारे लिए और क्या क्या करना है। तो दर्शकों, फ्यूचर प्लानिंग के बहुत सारे टिप्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको भी यदि ये मैसेज मिला हो, जब भी भविष्य में यहाँ पर कई आयोजन शहर में समय समय पर JKD इवेंट के द्वारा कराए जाते रहते हैं, चलेगा कुछ और स्टूडेंट से हम बात करते हैं। देखिए, हमने बहुत सारे कोर्सेज जाने कि और क्या कर सकते हैं। हमने आने से पहले सिर्फ एक ही सुना था कि कॉमर्स से शुरू में कॉमर्स से मैंने सोचा था कि BCOM करूँगा, यहाँ के पता पड़ा कि और भी कोर्सेज हैं जो अच्छे हैं और भी कर सकते हैं, और स्पोर्ट्स के बारे में भी जानने को मिला, जो बहुत सारी नॉलेज मिली स्पोर्ट्स के बारे में कि हम कर सकते हैं आगे और जी। तो स्पोर्ट्स में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन यह हम भी जानते हैं कि समय के हिसाब से बहुत सारे नए नए क्षेत्र भी एक मार्केट में आ रहे हैं, नए नए फीचर्स भी आ रहे हैं, और आपको बताना चाहूँगा समय के हिसाब से हम यदि अपने करियर को बुलंद करना चाहें या उस क्षेत्र में अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहें तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कुछ और हम विद्यार्थियों से बात करते हैं, आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा और आपने यहाँ पर आके क्या जानकारी इकट्ठी की? जी, मेरा नाम पवन छैकोर है, मैं यहाँ पर क्लास 12 में पढ़ता हूँ और यहाँ पर हमने कोर्सेज के बारे में जानकारी दी है कि मैंने अभी मैथ्स लिया है 12th में हूँ मैं, और तो मैंने सुना था कि JEE दे सकते हैं, और यहाँ पे आकर मैंने बात की तो यहाँ पे मैम वगैरह ने बताया कि यहाँ पे JEE नहीं और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप ले सकते हैं और उनसे आपके अच्छे पैकेज मिल सकता है।
तो कहीं ना कहीं यह भी जो हमारे हमारे साथ में एक मौजूद हैं दोस्त, इन्होंने भी बताया कि यहाँ पर आके इन्हें बहुत सारी नॉलेज मिली है, जानकारी मिली है। अब हम चलते हैं कुछ गर्ल्स के बाद और उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिरकार यहाँ पर वो एक्सपर्ट से क्या क्या सीख कर जा रहे हैं अपने करियर को बुलंद करने के लिए। आपका नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम रितु डंडौतिया है। रितु जी, क्या जानकारी मिली यहाँ पर आपको? सर मेरे को मेरा बायो स्ट्रीम है जी, तो मैंने सोचा था कि मैं ओनली नीट कर सकती हूँ, नहीं यहाँ पे तो आके काफ़ी सारे ऑप्शन है मेरे पास। मैंने पार्लर के बारे में भी सीखा और काफ़ी सारे वो हैं, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा आगे, और डिसिप्लिन भी पता पड़ा, और यहाँ पे काफ़ी सारे किसके कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, और यूनिवर्सिटी में ये भी काफ़ी लोगों ने बताया। जानकारी बहुत सारी मिल रही है, लेकिन हम एक्सपर्ट्स की थोड़ी सी हम तहकीकात करते हैं। यहाँ पर जो आपको जानकारियाँ दी जा रही हैं, तो आप किस प्रकार से, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है या डरते हैं आप, या यहाँ से जब जाते हैं तो कॉन्फिडेंस को बढ़ा के जाते हैं, थोड़ा आपसे ही समझना चाहूँगा। हाँ, इससे बढ़ रहा है। वैसे मैंने जेई के बारे में सोचा था, फिर इस बारे में पता पड़ा तो और भी सोचा कि आप और कुछ भी मतलब साथ में लेके चलेंगे जी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां यहाँ पर इस जो करियर के फेयर लगाया गया है यहाँ पर दी जा रही हैं, और कहीं ना कहीं भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन होते रहेंगे JKDE इवेंट के द्वारा। और भी यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स आए हैं उनसे हम कुछ जानकारी लेते हैं कि वो आखिरकार स्टूडेंटों को क्या क्या टिप्स दे रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ में एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, चलिएगा हम उनसे बात करें। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर, जानना चाहेंगे आखिरकार आपने स्टूडेंटों को यहाँ पर क्या टिप्स दिए, आप यहाँ पर मौजूद रहे तो। सर, सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा, कुशागर शर्मा, स्टारएक्स यूनिवर्सिटी से हूँ, जो हमारी यूनिवर्सिटी गुड़गांव में है, नेशनल हाईवे नंबर 48 के ऊपर है। बच्चों की काउंसलिंग के दौरान हमने उनको आने वाले फ्यूचर में कोर्सेज के रिगार्डिंग गाइड किया गया है कि उनका क्या आगे भविष्य में चांस रहेगा, कैसे वो अपग्रेड कर सकते हैं अपने आप को सोसाइटी के साथ, वो कदम से कदम मिला के आगे बढ़ सकते हैं। प्लेसमेंट के रिगार्डिंग भी हमने उनको काफ़ी कुछ बताया गया है, और स्कॉलरशिप का भी जो प्रोसेस है सारा उनके माइंड में बिठा दिया गया है जी। सर, कुछ यह भी मैं आपसे समझना चाहूँगा, कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं या करियर को हम कहीं ले जाना चाहते हैं, कोई फियर होता है बहुत सारा, क्या होगा, कैसे होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसको लेकर भी आप कुछ मोटिवेशन के टिप्स देते हैं स्टूडेंट को यहाँ पर जो आते हैं? बिल्कुल सर, मोटिवेशन का टिप्स दिया जाता है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल खुद में आई एम पॉसिबल है। तो बच्चे उस चीज़ को लेकर काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, काफ़ी बूस्टअप होते हैं कि हाँ हमें गाइडेंस मिल गई है, हमें इस चीज़ के बारे में पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी लेकिन अब हमारा फंडा क्लियर हो गया, तो इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी एनर्जेटिक हो जाते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, जो स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं और आप उनको क्या सोल्यूशन दे रहे हैं? सर, स्टूडेंट्स का मेनली क्वेश्चन तो यही होता है कि पैकेज हमारा क्या रहेगा, कैसे रहेगा, और प्लेसमेंट को रिगार्डिंग लेके हम कितना कंसर्न उनके माइंड में होता है। तो उनको ये हम लोग ये गाइड करते हैं कि कैंपस में कैंपस प्लेसमेंट होती है, जिसमें कैंपस में कंपनी वाले आते हैं, स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बेसिस पर उनको पैकेज ऑफर किया जाता है उनके स्किल्स और कम्युनिकेशन लेवल को देख के। जी सर, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, चलते हैं एक और एक्सपर्ट के साथ में और उनसे भी हम जानते हैं वो यहाँ पर आए हुए जो विद्यार्थी हैं उन्हें क्या क्या जानकारी दे रहे हैं। तो दर्शकों, एक और एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो इस कैंपस में जो विद्यार्थी आए हुए हैं उन्हें नए नए टिप्स बता रहे हैं वह किस प्रकार से अपने करियर को बुलंद कर सकते हैं, किस यहाँ पर मौजूद हैं। चलिएगा हम सर से बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा और यहाँ पर आप क्या जानकारी दी स्टूडेंटों को यह बताइए। मेरा नाम इंजीनियर रवि बघेल है और मैं मैथ्स फैकल्टी हूँ, और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट संस्था के बच्चे आए हुए थे, वहाँ उनको बताया जा रहा है कि काउंसलिंग में कौन सा करियर उनके लिए लाभदायक है, प्रॉफिट है, ठीक है, कि स्पोर्ट्स भी है, इंजीनियरिंग भी है, ज़रूरी नहीं है इंजीनियरिंग, और भी हैं डिफरेंट डिफरेंट उनके करियर के लिए, कि ऐसे ना कॉमर्स वाले भी बच्चे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है उनकी। सर, आपसे ही मैं जानना चाहूँगा, लगभग कहते हैं समय के साथ बहुत कुछ चेंज हो जाता है, आपसे समझना चाहूँगा 5 या 10 साल जो पहले बहुत सारी क्षेत्र थे जिसमें व्यक्ति अपना करियर बनाता था, अपने आप को ले जाता था, लेकिन आज की डेट में भी आपसे समझा जाना चाहूँ तो क्या नई कैटेगरीज आ चुकी हैं हमारे क्षेत्र में, तो क्या कहना चाहेंगे? आजकल क्या है, पहले से इंजीनियरिंग मैन चलता था, अब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब कि कॉमर्स के लिए चल गया है, ठीक है, उसके बाद AI वगैरह, आर्टिफिशियल नई नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, इसलिए ना बच्चों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है और करियर और जॉब के लिए भी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है। तो कहीं ना कहीं दर्शकों, आपने समझा, हमारे सर कह रहे हैं कि AI भी एक नया टूल हमारे सामने आया है, इसमें भी अपनी सीख कर हम बहुत सारी संभावनाएं इस क्षेत्र के अंतर्गत हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक अभी देख रहे हैं या विद्यार्थी अपने जीवन को नया आयाम देना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर?
मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे जितने भी इवेंट वगैरह होते हैं तो बच्चों को मोटिवेशनल क्लास मिलती है, मोटिवेशनल क्लास के साथ साथ उनको एक ऐसा मिलता है कि ऐसा ना एक करियर मिलता है, और करियर एक पाथ मिलता है जो पाथ फाइनल डिसाइड करता है। तो जो जितने भी हमारे एक्सपर्ट हैं वो भी आप बच्चों को एक नई सलाह देते हैं, नए वो एक डिसीजन देते हैं जिससे वो सही अपॉर्चुनिटी को कर सकें। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भी एक एक्सपर्ट थे जिन्होंने बहुत सारी जानकारी दी है। चलिएगा चलते हैं किसी एक और नए एक्सपर्ट के पास में। थैंक यू सर। तो दर्शकों एक और एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो इस कैंपस में मौजूद थे और उन्होंने बहुत सारे टिप्स यहाँ पर आए हुए विद्यार्थियों को दिए हैं। चलिएगा उनसे हम बात करते हैं और जानकारी लेते हैं। सर आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा और आपने क्या क्या जानकारी दी यहाँ पर आए हुए विद्यार्थियों। मेरा नाम कपिल शर्मा है और मैं ITM यूनिवर्सिटी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये जानकारी आप सभी को देना चाहता हूँ कि ITM ग्रुप की जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 1997 से हुआ था, उसके बाद इन 2011 से वो यूनिवर्सिटी में अभी कोर्सेज को रन कर रहा है। और मैं यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग 100 से ज़्यादा कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें लगभग 27 से ज़्यादा स्कूल्स हैं कुछ, और अभी यहाँ पर लगभग जो गैदरिंग थी स्टूडेंट्स की वो 250-300 के आसपास कुछ स्टूडेंट्स थे। अब स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स हैं मैनेजमेंट के कोर्सेज को लेकर, जैसे कि वो BBA कौन किस स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है या BCOM किस स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है। अब यहाँ पे इंजीनियरिंग कोर्सेज के बारे में भी मैंने उनको जानकारी थी। अब इंजीनियरिंग कोर्सेज में जो नई टेक्निक्स आई थी, मतलब जो टूल्स आए हुए हैं, AI है, डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, इनके बारे में भी मैंने मतलब बच्चों के काफ़ी डाउट्स थे। और अभी जो सबसे अच्छा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, जो बच्चा भी देख रहा है मार्केट में क्या सिचुएशन है, उन सब के बारे में मैंने जानकारी दी है। और अभी जो कुछ नए कोर्सेज निकल कर आ रहे हैं जिन पर बच्चों का काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ा है, जैसे कि लॉ की अगर मैं बात करूं, अगर मैं जर्नलिज्म की बात करूं, मीडिया मास कम्युनिकेशन की, तो इन सब बच्चों में काफ़ी इंटरेस्ट है और एक मतलब काफ़ी बच्चे एक्साइटेड हैं इन सब फील्ड्स में जाने के लिए। तो दर्शकों आपने जाना कि साइबर सिक्योरिटी, जी हाँ, आप जो मोबाइल चलाते हैं या फिर किसी प्रकार का कोई IT टूल चलाते हैं तो कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं IT जो हैकर्स होते हैं उनके माध्यम से। तो यहाँ पर ऐसे जो हमारे सर हैं एक्सपर्ट हैं उन्होंने बताया कि साइबर सिक्योरिटी को भी लेकर आप अपने करियर बना सकते हैं, इस क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएँ आने वाले, और AI भी एक महत्वपूर्ण टूल है, इस क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं। सर किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने विद्यार्थियों ने रखे और किस प्रकार के जवाब आपने दिए? देखिए बच्चों का जो मेजरली डाउट्स था वो था स्पेशलाइजेशंस को लेके, या फिर जॉब सिक्योरिटी को लेकर, या फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। अभी जो बच्चा है वो बेसिकली 11th और 12th क्लास का था। अब 12th क्लास के बच्चे उसका कहना है सर मैथ्स तो ले लिया, पेरेंट्स का भी सजेशन था और मेरे को मैथ्स फील्ड में इंटरेस्ट था। अब उसको ये नहीं पता कि मैथ्स फील्ड से किस किस कोर्सेज को चूज़ कर सकता है आगे चल के। अब बच्चों को लगता है जैसे स्पेशली वो अगर बायो फील्ड से, तो उसको लगता है मैं सिर्फ BSc नर्सिंग कर सकता हूँ या फिर मैं B Pharma कर सकता हूँ। तो हमने उनके उसके फील्ड से रिलेटेड कुछ कोर्स सजेस्ट किए, जैसे वो BPT कर सकता है। अगर वो बायो फील्ड से है और उसने उसको लग रहा है कि मुझे BTech या साइबर सिक्योरिटी वाली फील्ड में जाना था, तो हालांकि वो BTech के एलिजिबल नहीं है, बट वो VCA जो एक कोर्स है, BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, उसके माध्यम से वो डेफिनेटली साइबर सिक्योरिटी फील्ड्स में जा सकता है। तो कहीं ना कहीं बच्चा भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि सर मुझे किस टाइम पर, जैसे कॉलेजेस के एडमिशन्स ओपन हो जाते हैं किस टाइम पर वो एडमिशन्स क्लोज हो जाते हैं, स्कॉलरशिप को भी लेकर काफ़ी डाउट्स था कि स्कॉलरशिप मुझे किस आधार पर मिलेगी, और मेरा इंटरव्यू जो यूनिवर्सिटी का है कि उस पर किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होता है, वहाँ एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, इन सब तरीके से सर कुछ प्रश्न निकल कर आ रहे थे बच्चों के, जिनका मैंने उनको उत्तर दिया। सर बहुत सारी जानकारी आपने हमको भी शेयर की, हमारे दर्शकों को भी की है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों एक चीज़ और यहाँ पर सामने निकल के आई है कि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी के कहने पर भी कहीं ना कहीं अपने लाइन चुन लेते हैं, क्षेत्र में चले जाते हैं। चलिएगा इसका जवाब इन्हीं से ढूंढते हैं। आप यदि कोई फील्ड चुनने जाते हैं, 12th पास कर लिया, उसके साथ में कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो करना है, तो क्या इस पे पेरेंट्स का भी दबाव होता है या फिर आपको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है कि आप कुछ भी कर लीजिए? क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, समाज के लिए भी है, जो आप दर्शक देख रहे हैं आपके पास भी है, इसका जवाब हम विद्यार्थियों से पूछते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, कोई भी चीज़ में जाना चाहते हैं, अपने इंटरेस्ट बेस पे जाना चाहते हैं या पेरेंट्स के कहने पे जाना चाहते हैं या फिर जो रघुकुल रीत चली आई है आपके समाज में आपके परिवार में उसको फॉलो अप करना चाहेंगे? जी नहीं सर, अपने इंटरेस्ट से जी, क्योंकि जहाँ तक आप अपने इंटरेस्ट से जाओ तो आप उससे ज्यादा ही करके आओगे उसमें। अगर आप फैमिली प्रॉब्लम से लेते हो, बायो लेते हो या कुछ भी लेते हो, तो बाद में फिर आपको डिफिकल्टी होती है सर। जैसे सर मैंने तो अपना इंटरेस्ट से लिया है, मैं मेरे से ही बोला गया था कि आप बायो ले लो, पर सर मेरे को बायो में कुछ आते ही नहीं तो कैसे ले लो, थोड़ा इंटरेस्ट ही तो होना चाहिए सब्जेक्ट में, इसलिए सर तो इंटरेस्ट से लोगे तो ठीक रहेगा अपने लिए। तो दर्शकों ये चीज़ निकल कर आई है कि जो हमारे साथ में मौजूद हैं साथी, इनको बायो पर फोर्स किया जा रहा था लेकिन उन्होंने अपने इंटरेस्ट
का जो है इनका रुचि जिस क्षेत्र में उसी में गए, इस चीज़ को ही विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आप किस क्षेत्र में रुचि रखते हैं और आज क्या उसी क्षेत्र में आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं? हाँ, कॉमर्स में मैं अपने आप को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरा कोई दबाव वगैरह कुछ है नहीं, मेरा इंटरेस्ट है तो मैं उसी लाइन में जाता हूँ। जी, आप में से किसी से पूछना चाहूँगा, आप जो रुचि है जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसी क्षेत्र में आप अपना करियर की संभावनाएं देख रहे हैं या फिर कुछ अभी 50-50 कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, मैंने अपने मन से लिया है मैथ्स। मेरे घर में भी बायो बोला जा रहा था कि बायो लो, लेकिन बायो नहीं लिया मैंने। मेरा मन था कि मैथ लो, मैथ भी मेरे को आता था तो वही में मैंने लिया और उसी में मैं आगे बढ़ूँगा। थोड़ा सा गर्ल्स से हम बात करते हैं, आपसे हम समझना चाहेंगे। बहुत साधारण सा एक विषय है कि कभी कभार हमें कोई चीज़ का जो कह दिया जाता है कि आपको इस क्षेत्र में जाना है, तो आपने अपने इंटरेस्ट से अपने क्षेत्र में जा रहे हैं जिस चीज़ को आपने ज्वाइन किया है, या फिर कुछ गड़बड़ है अभी कि भाई क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्या करें क्या ना करें, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने अपने इंटरेस्ट से मैथ लिया है। वैसे घर वालों ने कॉमर्स की बोला था जी, बट मुझे इंटरेस्ट मैथ में है और अभी मतलब इंटरेस्ट है तो वो सही और सही भी होगा। ओके, थैंक यू। तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आई है कि कहीं ना कहीं जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमने हमारा भला चाहते हैं, हमारा अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन वह यह भी चाहते हैं कि उनके हिसाब से वो चलें। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे विद्यार्थी हैं वो समझदार हैं, उनको जिस क्षेत्र में रुचि है वह ही इन्होंने चुना है और आपके सामने इस चीज़ के सवाल के जवाब को हमने लिया है।